हेलो दोस्तों, इक्विटी टू कमोडिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स स्टॉक्स के बारे में। हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स स्टॉक्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में इलेक्ट्रिकल कार प्रोड्यूसिंग कंपनीज, जो भी कंपनीज इलेक्ट्रिकल कार प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट टू में है जो भी कंपनीज बैटरीज बनाते हैं इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कार के लिए, और पार्ट थ्री में जो भी कंपनी चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं उनके बारे में डिस्कस किए हैं। पार्ट फोर में जो भी कंपनीज रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उनके बारे में, और पार्ट फाइव में जो भी कंपनीज रॉ मटेरियल्स या लिथियम के माइनिंग में इन्वॉल्व है उनके बारे में। तो उनसे पहले मैं बता दूं, मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरी प्लानिंग कर रखी है इंडिया को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नेशन बनाने के लिए। तो जब से गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है तब से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें शार्प रैली देखने को मिली है। और इसलिए नेक्स्ट 1 ईयर या 5 ईयर या 10 ईयर्स के लिए आप इस स्टॉक्स में लगाते हैं तो आपको हर एक साल 30-40% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलेगा अगर आप इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें एक चीज और बताने वाली है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेम इंडिया स्कीम लॉन्च किया था 2015 में, जिसके तहत इंसेंटिव दी जाती है इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए। जो भी टू व्हीलर्स बनाते हैं उनको 29,000 इंसेंटिव दी जाएगी, और जो भी कंपनी फोर व्हीलर यानी कार्स बनाते हैं उनको 1,38,000 इंसेंटिव दी जाएगी। तो ये भी काफी कंपनी को बूस्ट करता है, और इक्विटी टू कमोडिटी आपको सारे कंपनी के लिस्ट प्रोवाइड करेगा जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स स्पेस में है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी, जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनके बारे में आपको ये बताएगा। तो हम आते हैं इलेक्ट्रिकल कार प्रोड्यूसिंग कंपनी, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस करने वाले हैं या इस फील्ड में है मेजर कंपनीज। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो जीरोधा में हमारे साथ ओपन करवा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ ओपन करवाते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले जो आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन होगा उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आपको फ्री एडवाइजरी और टेक्निकल टिप्स मिलेगा। अगर आपको एडवाइजरी और टेक्निकल टिप्स कुछ भी चाहिए होगा तो वो भी फ्री मिलेगा। आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कोई चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। जितने भी आप ट्रेड करेंगे FNO, इक्विटी इंट्राडे या कमोडिटी, उसके लिए आपको सिर्फ 20 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप इज वेल्थ के साथ भी ओपन करवाते हैं तो वहां भी आपको फ्री एडवाइजरी और टेक्निकल टिप्स मिलेगा। सिर्फ 11 रुपए जितने भी आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे उसमें पे करने होंगे, आपको फ्री डीमैट अकाउंट मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूसिंग कंपनीज के बारे में। तो अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि और इतना ज्यादा ये फ्यूचर इसका ब्राइट क्यों है? ब्राइट इसलिए है क्योंकि जैसे ये मार्केट में आते जाएंगे इनके कॉस्टिंग काफी कम होते जाएंगे। इनके कॉस्टिंग 20 से 30 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से होंगे, तो आप सोच सकते हैं कितना कम कॉस्टिंग होगा ये। और ये अच्छे खास स्पीड भी अटेंड करेंगे, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर ये व्हीकल्स स्पीड अटेंड करेंगे। तो बहुत सारे कंपनी जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं ये 300 बिलियन डोमेस्टिक मार्केट में इनका कॉस्ट हो जाएगा 2030 तक। तो ये अच्छे खासे ग्रोथ करेंगे 2030 तक। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट से, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने उबेर के साथ पार्टनरशिप किया। उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उबेर को प्रोवाइड करवाएंगे, और उबेर एज अ टैक्सी ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडिया के अलग अलग शहरों में यूज करेंगे। और महिंद्रा महिंद्रा जो है यूएस में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बेचने की सोच रहे हैं। और यहाँ पे आपको पहले ही पता होगा, ये आपको बता दूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लॉन्च भी कर चुके हैं। फोर व्हीलर जो कि आप फोटो में देख रहे हैं E2O, वो महिंद्रा महिंद्रा पहले ही लॉन्च कर चुके हैं, और उबेर को वो व्हीकल्स प्रोवाइड कराएंगे टैक्सी के रूप में चलाने के लिए। तो महिंद्रा महिंद्रा अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, इसमें आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको 30-40% एनुअली कंपाउंडिंग रिटर्न देगा। अगर आप, इसका मतलब ये हुआ कि दो साल में, हर एक 2 से 2.5 साल में ये आपको अमाउंट डबल कर देगा, यानी 100% रिटर्न हर एक 2 से 2.5 साल में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स वेल रेप्टेड है, और इसको भी अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं गवर्नमेंट से। इसको 10,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऑर्डर मिले हैं जो कि 1200 करोड़ के हैं। और टाटा मोटर्स ने ओला के साथ पार्टनरशिप किया जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रोवाइड कराएंगे ओला को, और ओला एज ए टैक्सी यूज करेंगे दिल्ली में। और टाटा मोटर्स ने रिसेंटली
टाटा टियागो का इलेक्ट्रिकल वर्जन भी लॉन्च किया, जो कि अभी गुजरात में लॉन्च किया गया ट्रायल वर्जन के रूप में। टाटा नैनो का इलेक्ट्रिकल वर्जन तो पहले ही आ चुका, अभी टाटा टियागो का इलेक्ट्रिकल वर्जन भी कुछ दिनों में मार्केट में आ जाएगा। अब आते हैं मारुति, मारुति सुजुकी ये भी इलेक्ट्रिकल स्पेस में आने की तैयारी कर रहा है। अगले दो साल में ये भी अपना इलेक्ट्रिक कार लेके इलेक्ट्रिकल स्पेस में आ जाएंगे, और इन्होंने 2,00,000 करोड़ अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन्वेस्ट किया ताकि वो इस फील्ड में आ सके। अब जितने भी ऑटोमोबाइल के बड़े बड़े कंपनी होंगे वो सारे इस फील्ड में आएंगे, क्योंकि जो इस फील्ड में नहीं आएंगे वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आने वाला फील्ड, आने वाला समय इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का होगा, क्योंकि इनका कॉस्टिंग काफी कम हो जाएगा और लोग बहुत जल्दी पेट्रोल की तरफ से इधर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ से शिफ्ट होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको बूस्ट कर रहे हैं, वहां से भी इंसेंटिव मिलेगा। अब हम आते हैं अशोक लीलैंड। अब सिर्फ कार नहीं, इलेक्ट्रिकल बस भी मार्केट में आ रहे हैं। तो जैसे अशोक लीलैंड है, पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस लॉन्च कर चुके हैं, जो कि मुंबई में लॉन्च हो चुका है और उसका नाम है सर्किट। और अशोक लीलैंड सन मोबिलिटी के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो और भी आगे और भी बस बना सके, और इलेक्ट्रिक बस और सिर्फ ना ही बस है और बैटरीज भी बनाने की सोच रहा। अब आते हैं हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप जो कि भारत का सबसे बड़ा टू व्हीलर कंपनी है और वो भी इलेक्ट्रिकल स्पेस में आने की सोच रहा है। वो भी अगले 2 से 3 साल में इलेक्ट्रिकल स्पेस में एंट्री कर जाएंगे, और उन्होंने 205 करोड़ पहले ही एथर एनर्जी जो कि बेंगलोर बेस्ड कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। और जो हीरो इलेक्ट्रिक है, हीरो मोटर के अंदर जो हीरो इलेक्ट्रिक आते हैं, वो अगले 3 से 4 साल में 1,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। तो इससे सोच सकते हैं जो इस कंपनी का भी ग्रोथ होगा। और जितने भी कंपनी है, अभी तक हमने 5 कंपनी के नाम बताए, ये 5 कंपनी आपको हर एक 2 से 2.5 साल में आपको 100% रिटर्न देंगे। आपको एनुअली मिनिमम 30-40% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब आते हैं छठा, ओके प्ले इंडिया। इसका नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये कंपनी ऑटो रिक्शा बनाती है, सॉरी ई रिक्शा बनाती है। ये कंपनी ई रिक्शा प्रोड्यूस करती है, आप रोड पे देख सकते हैं कितने ज्यादा ई रिक्शा बन चुके हैं। और कंपनी अभी 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑटो रिक्शा प्रोड्यूस करती है, और ये 2018 के पहले क्वार्टर तक 4 और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की सोच रहे हैं। तो इसका भी शेयर अच्छा खासा डेवलप करेगा, और ये भी आपको मिनिमम 30-40% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हर एक साल देगा, और 2 से 2.5 साल के अंतराल में आपको 100% रिटर्न मिलेगा। अब हम आते हैं जेबीएम ऑटो के बारे में। तो जेबीएम ऑटो ने पॉलिस फॉर्म सॉल्विस बस एंड कोच ऐसे के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो इलेक्ट्रिक बस बना सके, और ये कंपनी ना सिर्फ इलेक्ट्रिक बस बनाती है बल्कि उसका सॉल्यूशन भी बैटरीज का और चार्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाई। तो जेबीएम भी काफी बड़ी कंपनी है, और ये भी इलेक्ट्रिक बस अपना जो कि देख रहे हैं ये ट्रायल वर्जन लॉन्च कर चुकी है, और कुछ दिन में ये सड़क पे भी आ जाएंगे। अब गोल्ड स्टोन इंफ्राटेक को भी इलेक्ट्रिक बस बनाती है, और इसको भी काफी बड़ा ऑर्डर मिला। इसको हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से 25 इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर मिला, और मुंबई बेस्ड से इनको 6 इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर मिला। और कंपनी हर एक साल 200 से 300 इलेक्ट्रिक बस बनाने की सोच रहे हैं, जिसका टर्नओवर है 500 करोड़। तो इस कंपनी का भी स्टॉक अच्छे खासे ग्रोथ करेगा, और ये भी आपको मिनिमम 30-40% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हर एक साल देगा, और 2 से 2.5 साल में आपको 100% रिटर्न ये सारे में मिलेंगे। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा, और ज्यादा अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर आप साल भर के लिए भी रिटर्न इन्वेस्ट करते हैं, एक साल के लिए भी, तो आपको मिनिमम 30-40% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आराम से मिल जाएंगे। आपको मैं फिर से बता दूं, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो जीरोधा में ओपन करवा सकते हैं, उसमें आपको फ्री एडवाइजरी मिलेगा, डीमेट अकाउंट के लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आप ईज वेल्थ में भी ओपन करवा सकते हैं, वहां भी आपको ब्रोकरेज काफी कम लगेगा, आपको फ्री एडवाइजरी टेक्निकल टिप्स मिलेगा, आपको डीमेट अकाउंट के लिए कोई चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे, आपको जो भी कुछ हेल्प चाहिए वो भी मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, या फिर आप SIP में, म्यूचुअल फंड में, या इक्विटी फंड मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है equitycommodity2@gmail.com, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि 9654620413 है। हमारा वेबसाइट है, वहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दिया गया, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.equity2commodity.in। अगर आप वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।